इस वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में हरियाणा की नई पार्टी की एंट्री होने वाली है। हरियाणा की नई एकमत सनातन भारत दल पार्टी मैदान में उतरने वाली है, जिसके चलते इस बार नवगठित पार्टी अपने उम्मीदवार कतार उतार कर मतदाताओं को अपने नेता चुनने का विकल्प प्रदान करेंगी। मंगलवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि इस बार सनातन संस्कृति की रक्षा और संपूर्ण विकास की सोच के साथ कांग्रेस और बीजेपी का विकल्प एकम सनातन भारत दल राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में आ रही है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी हरियाणा के संपूर्ण विकास के साथ साथ पूरे देश के विकास के लिए पूर्ण रूप से वचनबद्ध है। लोकसभा की सभी 10 सीटों पर और विधानसभा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी जल्द ही सभी सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। चंडीगढ़ से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। पूरे देश में जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और उसमें हरियाणा में जो 10 सीट हैं, 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है और हम एकम सनातन भारत दल पूरे जोर शोर से हम ये घोषणा करते हैं कि हम सनातन की जो मूल विचारधारा है, गुरुकुल, शिक्षा, योग, इन चीज़ों को हम मुफ्त करेंगे, बिल्कुल फ्री करेंगे। ये हमारी जो परंपरा है सनातन से, जो हमारे को छीन लिए गए हैं, गुरुकुल छीन लिए गए हैं और सिर्फ कन्वेंट पे पूरा ध्यान है।